नमस्कार, मैं हूं सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आज हम 2020 के जो पांच इन्वेस्टिंग लेसन्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है हमारे पूरे लाइफ जर्नी में, क्योंकि जो पहले कभी नहीं देखा था, एक मेडिकल क्राइसिस, एक महामारी कोरोना वायरस आके हावी थी हमारे जिंदगी के ऊपर। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंटों ने जो लॉकडाउन इस्तेमाल किया, उसका भी असर पड़ा हमारे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। तो ये कोरोना वायरस प्लस लॉकडाउन दोनों ने कि इस साल को बहुत दिलचस्प किया हमारे लिए, क्योंकि तो बहुत एकदम गिरावट भी देखा, फिर एकदम उछाल भी देखा, इकोनॉमी में भी गिरावट देखा, फिर उछाल देखा। तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं बहुत लोग कि इस साल को कैसे हम झेल पाएंगे और इसमें से कुछ क्या लेसन हमें सीख पाएंगे, विच कैन हेल्प अस कि आने वाले जो साल है वहां पे इससे उठाकर हम कैसे फायदा उठा सकते। तो पहले इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टिंग में दो तीन चीज बहुत खास है जिनकी जरूरत रिइंफोर्स हो गई है इस 2020 वाली साल में। क्या है कि हर इन्वेस्टमेंट को एक गोल के बेसिस पे ही करना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म में। हर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, चाहे वो शेयर में हो या म्यूचुअल फंड में हो, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक गोल होना चाहिए। ये पहला एक बेसिक रूल है, राइट, जिसको रीइन्फोर्स कर दिया इस साल में। सो फर्स्ट लेसन इज कि बिना गोल के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और जो मैं बिना गोल के कह रहा हूं, उसके अंदर दो और बात छुपी है। क्या है दो बात? कि गोल जो बनाते हो वो फिनेंशियल प्लान के अंदर होना चाहिए, ऐसे हवा में से एक गोल नहीं होना चाहिए। अरे यार, मेरे को करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं है। कि आपको डिसाइड करना है कि कब कितना पैसा चाहिए। क्या बेटी की शादी के लिए प्लान कर रहे हो? क्या बेटे को अमेरिका पढ़ाई के लिए भेजने के लिए प्लान कर रहे हो? क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो? तो फिनेंशियल प्लान का एक हिस्सा आपको प्लान करके उसके अंदर गोल्स को चुनना है। सेकंड, तीसरी चीज, गोल के अंदर ही यह है कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार है, कुछ बहुत डरे हुए होते हैं। सबके लिए इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रास्ता है। क्या है कि अलोकेशन बदलता है, मगर वो रिस्क एपेटाइट जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं जो गोल बेस्ड कह रहा हूं कि गोल प्लस फिनेंशियल प्लानिंग प्लस रिस्क असेसमेंट, इसकी जरूरत है मैं फरी इन्वेस्टमेंट लेसन। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो हादसा आई थी मार्च में, कोरोना के बाद लॉकडाउन, जब मार्केट में गिरावट आई थी, अगर आपके पास गोल नहीं होता, अगर ऐसे ही अपने डाला पैसा को देखते हैं कितना बनता है, तो पैनिक के टाइम में आप भी पैनिक होते और पैसा को निकालते हैं, और उसके बाद क्या होता, मार्केट की जो राइस थी उसको मिस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट लेसन है कि एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में आपको स्टे इन्वेस्टेड की एक लेसन आती है। और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक समझिए, एक जहाज समुंदर में जा रहा है, किनारे की ओर जा रहा है, राइट। सडनली एक स्टॉर्म आ जाती है, किनारे के नजदीक आ गए, एक स्टॉर्म आती है, फिर रेन, लाइटनिंग, बिल्कुल अंधेरा, तो शिप कैसे जाएगा अपने किनारे तक? तो उसको सहायता देती है एक लाइट हाउस, जहां पे एक बत्ती जलती हो, तो वो लाइट हाउस के जरिए वो शिप अपना जर्नी को कायम रखता है, और ये स्टॉर्म के कारण रुकावट नहीं होती है उसकी जर्नी में। तो गोल होता है आपके लिए वो लाइट जो लाइट हाउस में है, जो आपको सही दिशा दिखाता है और अपने गोल को पहुंचने तक कंटिन्यूअस रास्ते पर रखता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि गोल इज लाइक अ लाइट हाउस, और इस साल उसका महत्वपूर्णता साफ सामने आया। सो फर्स्ट लेसन, डू नॉट डू इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल्स, नंबर वन। तो नंबर टू क्या लेसन मैंने बताया? डाइवर्सिफिकेशन है नंबर टू लेसन। डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज होती है? समझिए कि आप शेयर मार्केट में एक छतरी कंपनी के शेयर लेते हैं, तो छतरी कंपनी की नंबर कब अच्छी होगी? जब बारिश होती है या एकदम धूप होती है, तभी छतरी का इस्तेमाल होता है। तो एकदम गर्मी में या बारिश के टाइम में छतरी की सेल्स होती है, उसके अलावा कोई छतरी नहीं खरीदता है। तो छतरी कंपनी की अर्निंग्स क्या होगी? बारिश में और एकदम धूप में बढ़ेगी, और उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसकी वॉलेटिलिटी वैसे ही होगी ना। तो क्या करते हैं डाइवर्सिफिकेशन में, तो आप एक समझिए कि आइसक्रीम कंपनी की शेयर आपने उठा लिया, तो क्या होगा? अरे जब बारिश होती है तो आइसक्रीम कोई खाता नहीं है, मगर जब गर्मी होती है तो आइसक्रीम की भी सेल बढ़ती है। तो आपको दोनों कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको साल भर
गर्मी में आइसक्रीम और बारिश में आपको अम्ब्रेला, दोनों की सेल्स आप पॉकेट सपोर्ट करेगी आपके पोर्टफोलियो में। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि मैं अपना रिस्क को कम कर रहा हूं, रिवॉर्ड को गिव अप नहीं कर रहा हूं। क्यों मैं बता रहा हूं इस चीज में, इस साल में ये डाइवर्सिफिकेशन वाली लेसन एकदम हथौड़े से हमारे सिर में लगा दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने पूछा जनवरी फरवरी में किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, तो कोई नामो निशान नहीं था उसमें गोल्ड का, क्योंकि सभी इक्विटी का बूम टाइम चल रहा है, बूम आने वाला है, तो सभी ने इक्विटी में घुसा दिया पैसा। फिर क्या हुआ, जब महामारी आई तो एकदम गोल्ड ने तेजी पकड़ी, एकदम रिटर्न बढ़ गए। अगर आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखा होता तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो एक शेयर गोल्ड के लिए भी आप रखते, वो आपके लिए काम आता जब क्राइसिस आई थी। सो सेकेंड लेसन जो है डाइवर्सिफिकेशन, जो ऑटोमेटिकली आपको कितना गोल्ड होना चाहिए वो आपका रिस्क एपेटाइट के बारे में और आपकी फाइनेंशियल प्लान, ये गोल्ड प्लस फाइनेंशियल प्लान पर रिस्क में आपका गोल्ड का कितना एलोकेशन वो डिसाइड होता और उस हिसाब से आपको सपोर्ट मिलता जब महामारी ड्रिवन क्राइसिस आ गई थी। तो ये है सेकंड लेसन जो कि दिस क्राइसिस हैज टॉट अस। व्हाट इज द थर्ड लेसन? द थर्ड लेसन इज नॉट टू पैनिक, क्योंकि नॉट ओनली नॉट टू पैनिक बट टू टेक एडवांटेज ऑफ द पैनिक। दे से नो, एक सेइंग होता है मार्केट में, Buy when others are fearful, sell when others are greedy. मार्च के करेक्शन में सभी डरे हुए मार्केट से बेच रहे थे, गिर रहा था, मगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चबी जाके ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। सो नॉट टू पैनिक एंड टू बाई मोर वेन यू हैव दिस कोल बेस्ड। क्यों मैं कह रहा हूं ये? बिकॉज मार्केट के मंत्र क्या होता है, मार्केट का मंत्र है बाय लो सेल हाई। अरे जब दाम लो हो रहे हैं तो खरीदो ना। तो थर्ड लेसन इज कि ऐसी जो पैनिक की सिचुएशन में, एज लॉन्ग एज आपके गोल अभी तक आपने पहुंचा नहीं, आपको खरीदारी और करनी है, शायद दुगना करना है आपके इंस्टॉलमेंट को। दैट इज द थर्ड लेसन जो कि ये महामारी ने हमें सिखाया कि बाय लो एंड द मार्केट इज पैनिकिंग। चौथा लेसन क्या है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, राइट? क्योंकि सिस्टमैटिकली अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये बाय लो एंड सेल हाई वाली बात, यानी बाय लेस व्हेन द मार्केट इज हाई, बाय मोर व्हेन द मार्केट इज लो, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक करवा देती। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है एसआईपी का जो कि इस क्राइसिस के अंदर हमें सामने दिखा। और अब आते हैं The final lesson, lesson number 5, वो है कि do not go blindly on past returns to make investment decision. क्यों मैं बता रहा हूं? जैसे मैंने बताया जनवरी में आपने past returns देखा तो large cap का बढ़िया था, फरवरी में past returns देखा तो gold का बहुत कम था, अप्रैल में आए तो stock market का कम था, gold का highest था, जुलाई अगस्त में आए तो वापस large cap की चाल चली, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आके आए तो ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप और मिड कैप का टाइम चला। तो ये हर बार आप पास्ट रिटर्न्स को देके निवेश करते हैं तो नेचुरली आपका फ्यूचर इमीडिएट रिटर्न्स डिसअपॉइंटिंग हो जाता। तो पास्ट रिटर्न्स को देखे बगैर कैसे इन्वेस्ट करें? तो फर्स्ट चीज कि पास्ट रिटर्न्स को देखिए मगर समझिए कि क्यों आए पास्ट रिटर्न्स। सेकेंड, फ्यूचर रिटर्न्स को थोड़ा प्रिडिक्शन करने की करिए। कैसे? जैसे मैंने कहा कि जो ज्यादा गिरावट आती है तो मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है तो बाउंस बैक हो सकता है। तो थोड़ा आप एक समझदारी लगाकर देखें कि आने वाले दिन में इकोनॉमी की हालत क्या होने वाली है, जो ऑलरेडी गिर चुका है शायद वो बढ़ेगा, क्योंकि लाइफ का ये लेसन ये भी है मार्केट में कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन एंड व्हाट गोज डाउन मस्ट कम अप। तो ब्लाइंडली पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इन्वेस्ट मत कीजिए। ये है फाइनल फिफ्थ लेसन जो इस साल 2020 की साल ने हमें सिखाया है, राइट? ये कहते हुए बहुत धन्यवाद उसको सुनने के लिए। और अब जो 2021 की शुरुआत हो रही है तो हैप्पी न्यू ईयर आपको 2021 के लिए और हैप्पी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस फॉर 2021 फ्रॉम आवर बिहाफ फ्रॉम सुंदरम म्यूचुअल एंड ग्रो फैमिली। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.